हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एटेक वे स्मार्ट। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपनी वीडियोस अब इंस्टाग्राम पर भी बना सकते हो और पोस्ट कर सकते हो बना करके। ये पहले की तरह नहीं है जैसे आप पहले वीडियोस पोस्ट करते थे। एक नया फीचर आया है रील्स के नाम से। टिकटॉक के बैन होने के बाद इंडिया में बहुत सारी एप्स ऐसी आई हैं जहाँ आपको वीडियोज का बहुत अच्छा, शॉर्ट वीडियो का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल दिया गया है, लेकिन अभी भी इस तरह की कोई ऐप नहीं है जो कि टिकटॉक के लेवल का एक्सपीरियंस आपको दे सके। इंस्टाग्राम पर रील के नाम से आपको ये फीचर्स अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे वीडियो बनाना उतना ही आसान है जितना कि टिकटॉक पर। आप अपने टिकटॉक अकाउंट पर इंस्टाग्राम का अकाउंट का लिंक अटैच करते थे जिससे आपके इंस्टाग्राम पर भी फॉलोवर इंक्रीज हो, आपको लोग वहां भी फॉलो करें, लेकिन अब आपको ऐसा करने कोई जरूरत नहीं है। आप इंस्टाग्राम पर ही अपनी वीडियोस बना सकते हो और वहां पर ही आपको आपकी वीडियोस पे लाइक्स मिलेंगे, लोग कमेंट करेंगे आपको, वहीं पे आपको लोग फॉलो भी करेंगे। और ये ऐप ऐसा है न कभी हैंग होने वाला है और फुल सिक्योरिटी के साथ आपको अवेलेबल है। और ऐप्स में क्या होता है कि जैसे आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, वीडियो अपलोड नहीं पाते, यहाँ पे सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ एक है, इंस्टा रील्स। चलिए मैं आपको बताना हूँ किस तरीके से आप यहाँ पे वीडियो बनाना है, किस तरीके से अपलोड करना है, किस तरह के इसमें फीचर्स दिए हैं इंस्टाग्राम ने। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना जिससे आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं इसी तरह की वीडियो अपने चैनल पर लेके आता हूँ जिससे कि आप मेरे चैनल एटेक के साथ भी स्मार्ट बने रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाएंगे और अपना इंस्टाग्राम अपडेट करेंगे। अगर आपका अपडेट नहीं है तो आप इसको अपडेट कर लेना। इंस्टाग्राम अपडेट करने के बाद आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन करना है। ये मेरी इंस्टा आईडी है AK The Official। आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर लेना और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आप मेरे को यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो इंस्टाग्राम पे जो रील्स का ऑप्शन दिया गया है इसके लिए आपको, अगर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है अपनी इंस्टाग्राम अपडेट करने के बाद भी, तो आप क्या करना, आप अपना अकाउंट अगर आपका प्राइवेट है तो उसको पब्लिक करना होगा, क्योंकि ये ऑप्शन पब्लिक अकाउंट पे ही अवेलेबल है। अगर आपका प्राइवेट है तो आपको ये ऑप्शन शो नहीं होगा। अपना अकाउंट प्राइवेट से पब्लिक करने के लिए अपने अकाउंट पे जाना, रिलायंस पे जाना और ये सेटिंग्स में जाना। उसके बाद आपको जाना है प्राइवेसी पे। प्राइवेसी के बाद यहाँ पे ये अकाउंट प्राइवेसी है, ये है प्राइवेट अकाउंट। अभी मैंने प्राइवेट अकाउंट ऑफ किया हुआ है क्योंकि मेरा पब्लिक अकाउंट है। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, इनेबल कर देता हूँ, तो मेरा प्राइवेट हो जाएगा। तो आप ये चीज़ देख लेना आपका ये इनेबल है या डिसेबल है। अगर ये डिसेबल है तो आपका पब्लिक है, अगर इनेबल है तब तो कोई उसको ऑफ कर देना, तब आपका पब्लिक अकाउंट हो जाएगा। पब्लिक अकाउंट करने के बाद आपको ये ऑप्शन कहाँ से होने वाला है, आपको ये यहाँ होम पे जा करके राइट साइड स्लाइड करना है। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको लाइव का ऑप्शन दिखाई देता है, स्टोरी का ऑप्शन दिखाई देता है और साथ ही में आपको यहाँ पे रील्स का ऑप्शन दिखाई देता है। ये यहाँ पे अब रील्स पे आपको वीडियो बनाने के लिए, अगर आपकी पहले से वीडियो बनी हुई है तो आप यहाँ पे जा करके उसको अपलोड कर सकते हो। अपनी वीडियो सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको अपलोड कर सकते हो। और आपको अपनी वीडियो क्रिएट करनी है तो इसके लिए यहाँ पे आपको साउंड चूज करने का ऑप्शन दिया गया है। ये आपकी स्पीड कंट्रोल है, और आपको स्लो मोशन में वीडियो बनानी है, फास्ट मोशन में वीडियो बनानी है, स्पीड यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ये इफेक्ट्स का भी ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पे इस पे इफेक्ट, आपको काफ़ी सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं। कलर फिल्टर्स भी इसमें अवेलेबल है, ये देखिए काफ़ी सारे कलर फिल्टर्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं वीडियो बनाने के लिए। और ये यहाँ पे ऑप्शन आपको टाइमर का मिल जाता है, जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो किस टाइमर सेट करके अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।
साउंड में जानने के लिए अगर आपको उसी साउंड पे लिपसिंग करनी है, उसके लिए आपको इसमें साउंड पे जाना है। यहाँ पर आपको काफी सारे साउंड्स अवेलेबल हो जाते हैं जिस पे आप लिपसिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे आप ब्राउज का ऑप्शन भी मिल जाता है। जैसे आप अपने यहाँ पे फर्स्ट वीडियो क्रिएट करोगे और उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियो कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एक साउंड ले लेता हूँ, यहाँ पे इस साउंड को आप ट्रिम कर सकते हो जितना आपको चाहिए उतना यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको 15 सेकंड का वीडियो बनाने का ही टाइम मिलता है, आप 15 सेकंड की यहाँ पे वीडियो बना सकते हो, उससे ऊपर के भी वीडियो आप नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे आपको साउंड सेलेक्ट करने के बाद डन करना है, और उसके बाद ये जो ऑप्शन आपको दिया गया है रील और रिकॉर्डिंग के लिए, अब मेरे साथ नेट स्लो है, आपको उसको प्रेस करना है, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। और जैसे आप स्लाइड करोगे तो यहाँ पे जूम भी हो जाती है आपकी, ये वापस ये जूम। सिर्फ यहाँ पे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आप यहाँ पे इसको जाना, जब आपकी यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, अगर यहाँ पे आप कुछ लिखना चाहते हो कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ पे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो माई फर्स्ट वीडियो ऑन रील्स। इसके बाद यहाँ पे रील्स, और आपको अगर ये स्टोरी पे डालने आप स्टोरी पे भी लगा सकते हो। इसका कवर चेंज करना चाहते हो वीडियो का तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप डन कर देना। ये वीडियो यहाँ पे आप कैप्शन लिख सकते हो, अगर इसमें कैप्शन लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप कैप्शन भी लिख सकते हो। शेयर टू फीड, अगर आप अपनी इस वीडियो को नॉर्मली पोस्ट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर जैसे पहले पोस्ट किया जाता है, तो आप यहाँ पे इसको ब्लू टिक कर देना तो वहाँ पे पोस्ट हो जाएगा, नहीं करना चाहते तो उसको ऑन टिक कर देना। सेव एज अ ड्राफ्ट करना चाहते हो तो सेव एज अ ड्राफ्ट भी आप इसको कर सकते हो। तो आपको इसमें जैसे आपकी वीडियो बन जाती है, उसके बाद यहाँ पर ये रील्स का ऑप्शन आता है, जहाँ आपकी वीडियो अपलोड हुई है वो यहाँ पे शो हो जाती है। देखिए मैंने अभी यहाँ पे दो वीडियो अपलोड करी है जिसपे 55-73 व्यूज आ चुके हैं। ये अभी कुछ मिनट पहले ही अपलोड करी थी, इसमें 73 व्यूज आ भी गए हैं। यदि आप अपनी वीडियोस रील्स पे वॉच करना चाहते हो, उसके लिए आपको सर्च पे जाना है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रील्स का, यहाँ पे रील्स की वीडियो प्ले होती रहती है। आप जैसे इसको प्ले करोगे आपकी रील्स की वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे स्लाइड करना है जैसे आप टिकटॉक पे वीडियो देखा करते थे, आपकी वीडियो चलती रहेंगी। आपको किसी को फॉलो करना है तो आप यहाँ पे इसकी प्रोफाइल में जाकर इसको फॉलो कर सकते हो, और उसकी वीडियोस जो रील्स की वीडियो भी वॉच कर सकते हो। ये डबल टैप करके आप वीडियो लाइक कर सकते हो, यहाँ पे इस पर कमेंट कर सकते हो। ये शेयर पे जाओगे, यहाँ पे इसकी वीडियो आप शेयर कर सकते हो अपने इंस्टा फ्रेंड के साथ। थ्री डॉट्स पे जाओगे, यहाँ पे हाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है, वीडियो हाइड करना, और वीडियो रिपोर्ट करने का ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाता है, कॉपी लिंक का ऑप्शन इसमें यहाँ पे आपको मिल जाता है, सेव का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे आपको इसमें शो हो रहा है कि किसके कितने लाइक्स आ चुके हैं, कमेंट्स कितने हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट कैमरे का ऑप्शन है, यहाँ पे जा करके वीडियो अपलोड कर सकते हो। मैं आपको एक वीडियो अपलोड करके दिखा रहा हूँ, जैसे मैं एक वीडियो है इसको अपलोड करना है, यहाँ पे अपलोड पे जाना है। वीडियो अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे इस एरो पे बटन करना है, टच करना है। अगर आप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो ए ए वाला एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे जाके आप टेक्स्ट लिख सकते हो उसमें,
जो भी आप लिखना चाहते हो वीडियो के ऊपर। यहाँ पे कलर चूज का ऑप्शन आ जाता है, जो आपको जो टेक्स्ट है उसका कलर, फिर यहाँ पे नेक्स्ट करना है, जो एरो दिया हुआ है सही नेक्स्ट होएगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्शन लिखने का मिल जाता है, आप यहाँ पे कैप्शन लिख सकते हो, हैशटैग लगा सकते हो। और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे ये स्टोरी का मिलता है, अगर आप ये वीडियो अपनी स्टोरी पे लगाना चाहते हो तो यहाँ पे स्टोरी पे भी लगा सकते हो। इस तरह से आप अपनी वीडियो स्टोरी पे भी सेव कर सकते हो, यहाँ पे आप कैप्शन लिख सकते हो, हैशटैग लगा सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे करना है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। इंस्टाग्राम का फीचर आपको कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और आपके टिकटॉक पर कितने फॉलोवर्स थे ये ज़रूर कमेंट करना, मैं देखना चाहूँगा आपके कितने फॉलोवर्स थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।